आगे सर वो Thank you.
सर क्या कहेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करता हूं मैं कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से एक फ्री मेडिकल कैंप रखा गया है किराड़ भरम पानी बंदे के पास में। उसमें हमारे शहर अध्यक्ष शाहरुख साहब आए हुए, हमारे सीनियर लीडर नासिर सिद्दीकी साहब आए हुए हैं और हमारे दूसरे महल्ले के जिम्मेदार लोग भी है। ये हमारा ये जो पहला कैंप नहीं है, हर साल हर बारी में कैंप लेते, साल में तीन कैंप लेते। अगस्त 10 अगस्त को एक मेगा कैंप होता, उसके बाद दिसंबर के महीने में एक कैंप होता और एक रमजान के बाद में मार्च अप्रैल में एक कैंप होता। इसी तरीके से हर साल मेडिकल कैंप लेते और जो भी गवर्नमेंट की स्कीम आती हम उसको किराड़ भर में इम्प्लीमेंट करते, लाते उसको आवाम के बीच में देते। और ये मजलिस का काम ही से असदुद्दीन अवैसी साहब का काम, अमतिया जलील साहब के आदेश पे हम सब पूरी टीम मिलकर काम करती। आपने एक सवाल करा था हमारे शहर अध्यक्ष साहब के, एक नगर सेवक में टोटल जितने कारपोरेटर के नगर सेवक सब काम करते, मेरे सब पार्टी के पद अधिकारी काम करते, आप पूरे फील्ड पे रहते हर लाइन में, चाहे वो पुलिस स्टेशन का काम हो, डेनिस का काम रहो, लाइट का काम रहो या और कोई काम रहो, बाजब तो आप उसको कवर नहीं करते, पता लगे कोई, हम लोग हमेशा इस फील्ड में रहते। दूसरी बात, अभी हमने 15 दिन पहले यहाँ पे कैंप लिए थे उज्ज्वला योजना का, फ्री में हमने गैस बांटे, जो 100 रुपये लेते लोग, जो दूसरे लोगों ने लिए वो भी हमने 100 रुपये हमने हमारे मजलिस के जेब से दिए, 100 रुपये मेरे जैसे नहीं मजलिस से प्रधानमंत्री की तरफ से दिया गया, 100 रुपये दिया गया और वो गरीबों से 1 रुपये मिले। अभी भी जो आगे जो लेंगे हम, वो भी हम हमारे जेब से पैसे देकर काम करेंगे। और इससे पहले हमने 550 गैस बांटे, जब भी हमने किसी से पैसे नहीं लिए थे। सर एक आरोप एक न्यूज कवर किया था, हमारे आरोप लगे थे कि कुछ लोगों से 1500 रुपये लिया गया, इसके बारे में क्या कहेंगे, इसका जवाब क्या दिया? लोगों ने बहुत बताना चाहिए किसने लिया और किसने लाया करके, किराड़पुरे का है क्या दूसरे कोई एरिया का है, ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहिए कि भाई ये शख्स के या ये लेडीज के, ये औरत के, ये खातून के किसने 1000 रुपये दिया, तो वो फिर हम उसकी बात का जवाब देंगे। अब कोई भी किसी के पास काम नहीं है, हम मजलिस से कहा हम पूरे शहर में काम करें तो कुछ ना कुछ नहीं होना, कुछ नहीं है वो करके लेना है, उसका ये मतलब है ना। हम तो कर रहे नहीं, तुम कर रहे तो तुमको कैसा बदनाम करना, कैसा कर, ये सियासत है, ये इसमें होती रहती बात है। पर जब प्रूफ के साथ में अगर बात करेंगे तो प्रूफ के साथ बात करना, हमारा मकसद ये। और आपने अभी हमारे नासिर भाई से कहा कि दंगे के बारे में, तो असदुद्दीन अवैसी साहब का फोन, ये अपनी गवाह है नासिर भाई और शारिक साहब, इनको भी फोन आया था ना उनका, मेरे को भी, शारिक साहब को, उसी टाइम से हमने जिस दिन आदेश आया उस टाइम से असदुद्दीन साहब फिक्र में थे, इम्तियाज जलील साहब फिक्र, उनके आदेश पे मैंने काम करा। और मैं, मेरा हिसाब कोई नाम नहीं है, मैं मजलिस का कार्यकर्ता है, मजलिस का एक नुमाइंदा है और वो हैसियत से मैंने जो भी काम करता हूँ वो तो मजलिस के हैसियत से काम करता है, एक नुमाइंदा कार्यकर्ता के हैसियत से काम करता हूँ। आज कितने लोगों ने यहाँ पे लाभ है? अभी तक तो 450 के ऊपर काम हो गया है, लोगों ने ये करा है। इसके बाद में अभी और आप खुद देख रहे हैं, रश है, 2 बजे तक का टाइम था और डॉक्टर ने साहब बोले कि और 1 घंटा हम जहाँ तक लोग आते हैं उसको और बढ़ा के हम 1 घंटा और बढ़ा के लेंगे करके, 3 बजे तक इंशाल्लाह चलेंगे। शुक्रिया। हाँ चल, अरे इधर आइए, इधर इधर आइए, एक बार फिर आइए साहब की मतलब, और आपके आपके मार्गदर्शन में इतना बहुत बड़ा कैंप लेने हुआ, क्या कहेंगे? देखिए किराड़पुरे के साकनान मुबारकबाद के मुस्तक स्वास्थ्य है कि उन्हें एक ऐसा नुमाइंदा उन्होंने यहाँ से चुन के दिया था आज से तकरीबन 8.5-9 साल पहले, जिसके कार्यकाल ख़त्म होने के बावजूद भी वो अपने यहाँ पर उनकी खिदमत अंजाम दे रहे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तकरीबन हर कॉरपोरेटर और हर पदाधिकारी और हर कार्यकर्ता ये कोशिश करता रहता है कि वो आवाम की समस्याओं का हल के लिए कोशिशें करते रहे। अभी 15 दिन पहले ही आई साहब की ही इसी वार्ड के अंदर तकरीबन 50 लोगों को जो है तो मुफ्त गैस कनेक्शन की जो स्कीम है उज्ज्वला स्कीम, उससे फायदा उठाते हुए बांटा गया उन लोगों को। अभी मजीद जो है तो आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर तकरीबन 100 लोगों को और गैस कनेक्शन बांटे जाएंगे। इससे पहले आई साहब ने वार्ड के जो लोग जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं दवाखानों को, डायबिटीज के इलाज को, उसके लिए आज यहाँ पर खुसूसी फ्री मेडिकल कैंप रखा था। माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी बात है कि सुबह से तकरीबन 450 से ज्यादा लोगों ने यहाँ से फायदा उठा चुके हैं और ये कैंप हालांकि 2 बजे खत्म होने वाला था लेकिन आई साहब का कहना है कि लोगों को देखते हुए यहाँ पर उसकी वक्त और बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए मैं आई साहब को मुबारकबाद देना चाहूंगा। ये जो कैंप और ये तमाम एक्टिविटीज हमारे सीनियर लीडर नासिर सिद्दीकी साहब की हमेशा सरपरस्ती हासिल रहती है, हर जगह मौजूद रहते हैं, हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि जमात को आगे बढ़ाने में नासिर सिद्दीकी साहब हमेशा साथ रहे हैं। और हाजी साहब साहब को खासतौर से मुबारकबाद हाजी साहब कि आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, गरीबों की मदद आज वक्त की सबसे अहम जरूरत है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यही काम है
कि हमारी पहचान हमारे अपने काम से होती है। आज आपके काम से आपकी पहचान, जमात की पहचान इस पूरे वार्ड में बनी हुई, जिसके लिए आप मुबारकबाद मिलते हैं। सर एक सवाल है, अभी आपने कहा है कि इमाम मजलिस की पहचान काम से होती है, पूरे 26 नगर से हुआ कि पूरे औरंगाबाद में इमाम के वाहिद, मैं खुले ऐलान नहीं कर रहा, किसी बदगुमानी मकसद नहीं है, ये अकेला बंदा ऐसा है जिनके पास हमेशा कुछ ना काम चलते रहते हैं, बाकी वार्डों में बहुत काम देखने में आता है। आप बतौर शहर सदस्य के पास जिम्मेदारी क्या कहेंगे? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हर वार्ड में काम होते रहते हैं। अब हर जगह जो है तो हम मीडिया के नुमाइंदों को नहीं बुलाते हैं, एक बात तो ये। नंबर दो ये कि किसी बाप के अगर चार बेटे हैं तो चारों बेटे एक जैसा परफॉर्मेंस करना भी जरूरी नहीं, लेकिन बेटे तो सब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैं, तो सब काम करते रहते हैं, और कोई मीडिया में बताता है कोई नहीं बताता है, लेकिन दामे दरमे सुखने। आज ये बताइए आप, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इन 26 कॉर्पोरेटर्स के अलावा कौन सी सियासी जमात के कॉर्पोरेटर आज एक्टिव है? वो अपने वार्ड में कैंप लेता है, वो लोगों को स्कीम्स पहुँचाता है, वो वहाँ पर सहूलतें पहुँचाता है। आज दूसरी कोई सी सियासी पार्टी का नुमाइंदा मुझे नहीं लगता कि कहीं फील्ड पर नजर आते हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉर्पोरेटर, तमाम पदाधिकारी, कार्यकर्ता सब फील्ड पे है, मैदान पर है, इसलिए कि इम्तियाज जलील साहब का यही आदेश है कि चाहे आप ओहदे पे रहो ना रहो, आप अवाम की खिदमत करते रहो। देखिए आज हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब के हाथ से यहाँ पर जो फ्री मेडिकल चेकअप कैंप रखा गया है, जो कि यहाँ के मशहूर सोशल वर्कर हाजी इसहाक साहब की तरफ से रखा गया है, और मैं समझता हूँ कि हाजी इसहाक साहब को जब यहाँ पर लोगों ने मुंतखब किया था इनके वालिदा को, और सारी जिम्मेदारी तो हाजी इसहाक ने उठाई है, तो इसलिए नुमाइंदा कॉर्पोरेटर कह सकते हैं इनको, तो ये नुमाइंदा कॉर्पोरेटर की हैसियत से उन्होंने न सिर्फ रोड नल लाइट और ड्रेनेज का काम किया, बल्कि लोगों की सेहत से जुड़े हुए तमाम काम किए। उसके अलावा उन्होंने सरकारी स्कीम, जैसा हमारे शहर सदर शारिक नक्शबंदी साहब ने कहा, सरकारी स्कीमों को लोगों तक पहुंचाया उन्होंने। उसके बाद नौकरियों के लिए, उसके बाद में गैस कनेक्शन फ्री, जितनी भी स्कीम्स है और जो मेडिकल कैंप्स है, ऐसे कई एक्टिविटीज़ है जो ये कॉर्पोरेटरशिप से हटके, तो ये यकीनन हाजी साहब के अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से, मैं खुद यही सोचता हूँ कि हर मतलब महीना डेढ़ महीने में एक बड़ी एक्टिविटी करते रहते हैं और उसका फ़ायदा लोग यहाँ के बराबर उठाते हैं। आप देख रहे होंगे पीछे कितना बड़ा हुजूम लगा हुआ है और लोगों की इसकी ज़रूरत है। आज मैं समझता हूँ कि हाजी साहब मुबारकबाद के हकदार है कि उन्होंने आज मजलिस की तरफ से यहाँ पर जो है तो एक नुमाइंदगी पेश की और लोगों को सहूलत का काम मुहैया करवाया। और ये जो कैंप चल रहा है ये महानगर पालिका के जानिब से जो है तो यहाँ पर उनके डॉक्टर्स, उनके सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाजी इसहाक साहब ने इनसे नुमाइंदगी करके यहाँ बिठाया। जितनी दवाएं वगैरह लगेंगी ये सारी फ्री में है। उसके अलावा जो कार्ड से 5 लाख रुपये वाले, 10 लाख रुपये तक जो आज गवर्नमेंट हमारे को इलाज के लिए मुफ्त दे रही है, तो वो कार्ड भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा कदम है और काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स भी है माशाल्लाह। सर इससे एक हटके सवाल है, ये काम माशाल्लाह होते रहते हैं और चल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे चैनल पे कुछ कमेंट्स आते हैं, जैसा आपने इमाम का जिक्र किया, लोग कमेंट से करते हैं कि ये काम तो आमतौर से रूटीन में सरकार करती रहती है, ये योजनाएं आती रहती है, लेकिन इमाम के तरफ से बहुत बड़ा काम, जैसा घर की योजना है, औकाफ के बारे में है, इसके बारे में कोई बहुत बड़ा कदम, ये कमेंट्स में आता है सर, इसका जवाब क्या देंगे? देखिए घरकुल योजना का तो आपको मालूम होगा कि जो भी आज लिस्ट जारी हुई, उसके बाद में ज़मीन अलॉट हुई, तो ये यहाँ के खासदार का कारनामा ही। ये जो लोग, मैं समझता हूँ कि बराबरी नहीं कर सकते तो वो सिर्फ बुराई कर सकते हैं, वो लोग बुराई करते हैं। ये स्कीम यहाँ से रवाना होने वाली थी, इसका पीरियड ख़त्म हो गया था, लेकिन मैं सलाम करता हूँ हमारी नुमाइंदगी को, हमारे खासदार इम्तियाज जलील साहब को, कि उन्होंने वहाँ पार्लियामेंट के अंदर जब ये मुद्दा उठाया तो यहाँ से कलेक्टर कमिश्नर भागते हुए दिल्ली को गए, उन्होंने जल्द से जल्द जगह मुहैया करवाया और आज जो है तो 42,396 लोगों के जो है तो लिस्ट के अंदर नाम आए, ये बहुत बड़ा कारनामा है। दूसरा आप क्या बोल रहे थे? वर्क बोर्ड में आज खासदार साहब खुद है। मांडकी की 80 एकड़ किसी के अंदर हिम्मत थी क्या? आज मांडकी की 80 एकड़ जो है तो वर्क बोर्ड ने अपने ताबे में ली। ऐसी कई जमीनात है जिसके ऊपर जो है तो आज कार्रवाई चल रही है, और मैं समझता हूँ कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पे जितने लोग बड़े बड़े बैठे हुए, आज उनके दिल में दिल नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इम्तियाज जलील साहब है और इन्होंने ऐसे मुद्दे उठाए तो इनको बहुत जवाब देना पड़ता है कांग्रेस और एनसीपी वालों को, कि ये लूटम लाट जो हुई थी ये इनके पीरियड में हुई थी, ये बोल नहीं सकते कि भाई ये कैसा हुआ था बोल के। लेकिन आज वक्फ को बचाने के लिए इम्तियाज जलील साहब कई सालों से कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगी। सर एक सवाल है, देखिए किराड़पुरे में एक हादसा हुआ था और इस एरिया में क्या कहना है?
कि हाजी साहब ने एमआईएम की इज्जत को बरकरार रखने में या उसका दाग धोने में बहुत मेहनत की है, इनके कारकर्दगी को क्या कहेंगे आप? तो ये दाग नहीं हुआ, मैं हमारे लिए फखर की बात हुई। हाजी इसहाक साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी करते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि अगर परसों के दिन भी जो बच्चों की जमानतें हैं कम से कम 40 से 45 हाजी इसहाक साहब एसीपी के पास ले जाकर उन तमाम लोगों की जो है तो जमानतें करवाने वाले हैं। ये जो है ये तो एक अलग चीज हुई, लेकिन जिस वक्त और किराड़पुरा जल रहा था तो यहाँ के कोई एनसीपी का एक लीडर, कांग्रेस का एक लीडर बता दे कि वो लोगों के बीच में मौजूद थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि मजलिस के तमाम लीडरान जो यहाँ पर मौजूद थे, तमाम नौजवानों को रोकने के लिए, ये बड़ा हादसा टालने के लिए इम्तियाज जलील साहब खुद यहाँ पर मौजूद थे। ये पीछे बैठ के बातें करना कि मजलिस ने क्या की और तल्ख सवालात करना और बुराई वो करना, नहीं, प्रैक्टिकल काम करती है मजलिस। इससे पहले शाहगंज के अंदर मैंने देखा, मैं आंखों से मेरे जब एनसीपी कांग्रेस के लीडर उतरे थे कार में से, जैसे ही पहला आंसू गैस का गोला गिरा था तो उन्होंने दस्ती बांधे और कार में बैठ के घरों के तरफ रवाना हुए। लेकिन हम मजलिस की टीम थी जो रात भर लोगों के साथ में थे, उनको समझाए मनाए और शहर के अंदर अमन और शांति को कायम रखे। उसके बाद जिन लोगों का नुकसान हुआ था, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है जिन्होंने उनको दुकानें बना के दी और फिर से कारोबार चालू करके दी। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।